नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं आपके लिए, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आज हम अपने घर पर ही होली के रंग तैयार करेंगे। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से इसको हम रेडी करेंगे। बाज़ार में मिलने वाले जो भी कलर्स होते हैं उसमें इतने हार्मफुल केमिकल मिले हुए होते हैं कि वो हम जब हम खेल तो लेते हैं लेकिन बाद में उसके स्किन पे इतने ज़्यादा रिएक्शन होते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी लंबे टाइम तक स्किन की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आज हम होली के कलर घर पर बनाएंगे, जो कि बहुत ही नेचुरल कलर हैं, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है इसमें, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से इसको हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनको बनाना। तो दोस्तों, इसके लिए मैं ये ले रही हूँ, बीटरूट लिया है मैंने, ये चुकंदर से बनाएंगे हम रेड कलर, ये जो आजकल बहुत सीज़न है इसका, बीटरूट का। और येलो कलर हम बनाएंगे हल्दी से, हल्दी वैसे भी बहुत अच्छी होती है फेस के लिए। और ग्रीन कलर हम बनाएंगे अलग अलग तरह की लीव्स से बनाएंगे हम, ये है, अगर आपके यहाँ प्लांट्स लगे हुए हैं, ये लेमन प्लांट की लीव है, और ये गुलदाउदी है, क्राइसेंथेमम, और मैरी गोल्ड की भी डाल सकते हैं आप इसमें। ये मैंने इसमें मैरी गोल्ड भी डाला है, ये देखिए ये मैरी गोल्ड की है। और ये इसमें हम पार्सले डालेंगे, इसकी जगह आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, आप इसमें कोई सी भी लीव्स यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसमें गुड़हल भी डाला है मैंने, इसमें बहुत अलग अलग तरह की लीव्स हैं, ये देखिए गुड़हल की भी है इसमें, हिबिस्कस की। आप इसे, अगर ये सब प्लांट्स की ना हो आपके पास, तो आप पालक से भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा कलर आता है उससे। आप कोई से भी डार्क कलर की लीव्स वाले लीफी वेजिटेबल ले सकते हैं। इन सभी को हमने पीसना है, बिल्कुल पेस्ट बनाना है और उसको छान लेंगे फिर। ये देखिए मैंने सब पीस लिए हैं और उसका रस उनका निकाल लिया है, स्ट्रेन कर लिया है। मोटी छन्नी से पहले मैंने छाना था, तो अब मैं इसको एक थोड़ा और बारीक छन्नी से छान लेती हूँ, कि जिससे जो भी इसके अंदर और पल्प है इसका अलग हो जाए और बिल्कुल प्योर हमें इसका जूस मिल जाए। तो ये इस तरह से इसका जूस अलग कर लेंगे। हमने पानी बहुत थोड़ा सा कम मात्रा में डालना है, क्योंकि ज़्यादा पानी पानी नहीं करना है, क्योंकि फिर वो कलर लाइट हो जाएंगे फिर। तो ये देखिए कितना अच्छा डार्क ब्राइट कलर आया है इसका, चुकंदर का। इसी तरह से हम पत्तियों को भी, जो भी लीव्स हैं हमारे, उनको पीस लेंगे और पेस्ट बना लेंगे, उसका रस निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने रस भी निकाल लिया है। अब हल्दी को भी हम थोड़ा सा ऐसे ही इतना ही करेंगे जितना हमारा ये रेड कलर और ग्रीन कलर बन के आया है। इसी तरह हम ये येलो कलर भी रेडी कर लेंगे और इसमें थोड़ा पानी मिलाकर उसको पतला कर लेंगे। देखिए ये इतना पतला हो गया है, हल्दी मैंने 1 टेबल स्पून ली थी और इसमें मैंने ये पानी मिला के इसको इतना पतला कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे अरारोट, ये अरारोट ईजिली मिल जाता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। इसकी जगह आप कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर जो आता है, ये भी मक्की के दानों से बनता है, मक्की का जो मक्की होता है उसके दानों से बनता है, ये भी बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है अरारोट। तो ये आप इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते रहिए। इसको हमें एक घोल तैयार करना है, इसका थोड़ा गाढ़ा सा घोल तैयार करना है, हमें जितनी ज़रूरत होगी इसमें मिलाते जाएंगे। चलिए इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके डालते जाती हूँ और मिलाते जाते हैं इसे जितना हमें चाहिए। इसमें लगभग 5 to 6 teaspoon के करीब डल जाएगा अरारोट। ये देखिए इतना अच्छा गाढ़ा घोल तैयार हो गया है। और इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे, तीनों कलर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें भी मिला दिया है अरारोट। अरारोट थोड़ा सा एकदम से जमने लग जाता है, नीचे बैठने लग जाता है, तो ये इस तरह से मैंने तीनों ही तैयार कर लिए हैं कलर। और इनको अब इस किसी थाली में हम डाल देंगे, इसमें किसी कोई कुछ ऑयल कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही इसको डाल देंगे थाली में। और इसको 2 से 3 घंटे में आराम से ये धूप में तैयार हो जाता है, धूप में रख दीजिए, इसे बिल्कुल सूख जाएगा, इसका पानी बिल्कुल हमें सुखाना है और बहुत जल्दी सूख जाता है ये अरारोट। और इसको 2 से 3 घंटे धूप में रख देंगे, और अगर धूप आपके यहाँ नहीं निकली है तो आप इसको पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, थोड़ा सा गर्म एरिया में रख दीजिए और पंखा चला दीजिए, उसे एकदम से सूख जाएगा ये, बल्कि 2 घंटे में तो ये धूप में बहुत अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो जाता है। चलिए मैं इसको सुखा देती हूँ। ऐसे मैं तीनों कलर तैयार करूँगी, तीनों कलर को अलग अलग थाली में डाल के रख देंगे इनको सुखाने के लिए। तो ये देखिए 3 घंटे हो गए हैं धूप में मैंने इसको रख दिया था, और ये कितने अच्छे से सूख गया है, बिल्कुल पपड़ी हो के अलग हो रहा है, और हल्की बिल्कुल मामूली सी इसमें नमी रह गई है, वो जब हम इसको पीसेंगे मिक्सी में और इसको हवा लगाएंगे तो थोड़ा सा ये और सूख जाएगा। देखिए ये येलो कलर भी ऐसे तैयार हो गया, बिल्कुल पपड़ी हो गया है। अब इसको हम पीस लेंगे इन तीनों कलर्स को। तो ये देखिए मैंने तीनों कलर को अच्छे से पीस लिया है और कितना सुंदर कलर निकल कर आया है। इसमें अगर आपको कलर थोड़े से लाइट अगर लग रहे हो तो आप इसमें फूड कलर भी मिला सकते हैं, ग्रीन कलर थोड़ा सा लाइट बनता है, बाकी येलो कलर और रेड कलर तो अच्छे ब्राइट बने हैं।
ग्रीन कलर थोड़ा सा लाइट है, तो आप इसमें ग्रीन कलर का फूड कलर भी मिला सकते हैं। बाकी ऐसे ही अच्छे लगते हैं कलर्स ये लाइट डार्क कलर। मेन मोटिव हमारा ये होता है कि हमें रंगों से खेलना होता है, कि जो अलग अलग कलर्स होते हैं, रंगों का त्यौहार होता है होली, तो इन कलर्स का एक ये फ़ायदा ये भी है कि ये अपना रंग नहीं छोड़ते, स्किन पे कोई हमारे कोई निशान नहीं रहते। जब इसको हम पानी से धोएंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और रंगों से खेलना भी हो जाएगा और रंग रहेंगे भी नहीं। तो आप भी इस बार इन कलर्स को बनाइए अपने घर पर और बिल्कुल केमिकल फ्री ऑर्गेनिक तरीके से होली मनाइए। इस बार कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया है इंडिया में भी, तो पानी के रंगों का कम यूज़ करें, पानी का कम इस्तेमाल करें, सूखे रंग का इस्तेमाल करें और घर पर ही होली खेलें, सेफ होली खेलें। तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नई किसी वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।